से मिक्स हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम सही। इसको छान लेना। नमक डाले, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड एसएमएच व्लॉग्स। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, 500 सब्सक्राइबर हो गए हमारे। आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस में लाऊंगा और शॉर्ट्स भी देखेंगे गाइज मेरे, ये सब हमारे वीडियोस डाल रहा हूँ, उसको फैमिली को शेयर कीजिए। तो गाइज मैं 500 सब्सक्राइबर जो बने ना गाइज, तो उसमें मैं केक बनाने वाला था, सोचा था केक बनाएंगे बोल के। ठीक है, आप लोग एंड तक देखो। अच्छा केक बोल तो कैसा बनाना घर में, सिंपल आसान है। ठीक है, गेहूँ का आटा है, इसको छान लेना। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। सेम दिख रहा है वो? ये आटा है गेहूं का। तो आटा हम छान लिए। क्यों छाने बोलते हो, ये छानने से क्या है, जो भी आटे में इम्प्योरिटीज है वो छन्नी में आ जाते हैं। आटा जो है एकदम साफ और अच्छा रहता है सॉफ्ट केक के लिए। ये क्रश करे सो गुड़ है, तो इसको थोड़ा मेल्ट करना है, तो इसको मैं ये थोड़ा बॉइल्ड वाटर में रख रही हूँ, तो थोड़ा मेल्ट होता मतलब, तो अपने रूम टेम्परेचर पे होना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना गुड़, तो थोड़ा गर्म पानी में रखे तो ऐसा क्या है मेल्ट हो जाता है। पहले हम ले रहे गुड़, इसका हम थोड़ा मेल्ट कर लिए। ये रिफाइंड ऑयल है, और ये दही दो चम्मच, खट्टा दही लेना है, मीठा दही नहीं लेना। ये तीन चीज़ों को मिक्स करना। अच्छे से बीट करना, दाना दाना नहीं रहना। अगर आपके पास बीटिंग मशीन या फिर वो बीटर है तो उससे बीट कर सकते हैं। वो मिक्स कर देना है बैटर बनाने के लिए। अभी जो मिक्सचर है बैटर केक का वो थोड़ा थिक है, तो इसको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिन करने के वास्ते इसमें दूध ऐड कर लेंगे। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ना, रूम टेम्परेचर पे, ज़्यादा हीट भी नहीं रहना, कूल भी नहीं रहना। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी अभी थिक है, और थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करेंगे, इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम वनीला एसेंस की जगह इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ये इलायची पाउडर है, इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर थोड़े काजू बादाम कट करके डाल रहे हैं। यह है केक का केस, इसको ग्रीस करना है थोड़ा ऑयल से, इसको
नमक डाले अंदर कढ़ाई में और ये प्री हीट हो गया कढ़ाई। इसमें ये स्टैंड रख के इसके ऊपर ये हमारा केक का बैटर आ जाता। ऐसे निकलना साफ एकदम। सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक। बाहर से अच्छा जो घर में बना है वो कैसा बना है? आइए आइए बताओ और आप आटा ट्राई करें देखिए। चलो